फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ कार्डिगन, फ्रंट ओपन कार्डिगन है। और फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें पैटर्न बहुत इजी पैटर्न डालना है। और पार्ट वन वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, इसमें ये बॉर्डर कैसे बनाया है, ये पैटर्न, और ये पॉकेट बनाएंगे हम। और फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ यूज़ करेंगे 10 नंबर निटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। ये फ्रंट साइड मैं बना रही हूँ, ये हमारी फ्रंट राइट साइड है। और फ्रेंड, पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने बॉर्डर पैटर्न कैसे बनाया है। बॉर्डर पैटर्न के लिए स्टिचेज चाहिए हमें मल्टीपल ऑफ 2, और यहाँ पर मैंने 10 स्टिचेज लिए हैं, और ये 2 रोज़ का पैटर्न। तो रो 1 राइट साइड से फर्स्ट स्टिच उल्टा डालेंगे, पर्ल 1, निट 1, ये 2 फंदे ही हमने रिपीट करने हैं, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1, इसी तरह हम बनाते जाएंगे, और लास्ट वाला जो फंदा है हमारा सीधा आएगा। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, तो ये जो फंदा दिखाई दे रहा है उससे उल्टा बनाना है। ये फंदा उल्टा है, इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये फंदा सीधा है, इसे उल्टा बनाएंगे। तो हमारा रिपीट पैटर्न क्या रहेगा? निट 1, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, ये 2 फंदे हमने रिपीट करने हैं। पर्ल 1, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, और लास्ट में हमारे पास उल्टा फंदा आएगा इस तरह से। तो इसी तरह हमने 1, 2 रोज़ ही हमने रिपीट करनी है, राइट साइड से और एक रॉन्ग साइड से। तो इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा, और इसको इचकदाना बॉर्डर या सीड पैटर्न भी कहते हैं। कि ये 1, 2 रो रिपीट करते हुए ये मैंने इतना बॉर्डर बनाया है। और ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टिचेस लिए हैं 64 स्टिचेस लेकर के ये मैंने 2 इंचेस बॉर्डर बनाया है। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद अब मेरी ये रॉन्ग साइड है, और यहाँ पर हम बनाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए मैंने ये स्टिचेज डिवाइड किए हुए हैं। ये तो हमारी बटन पट्टी के स्टिचेज हैं 10, और बाकी जो हमारे 54 स्टिचेज रह गए, इनको हमने डिवाइड किया है 54 स्टिचेज को। ये तो 10 जो है बटन पट्टी के चलते जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 13 स्टिचेज, और 13 इधर, 13 दोनों साइड एक जैसे स्टिचेज छोड़ के बीच वाले स्टिचेज पे हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये हमारे पास अब 28 स्टिचेज हैं। एक बार देखिए, फिर ये 10 स्टिचेज बटन पट्टी के, ये 13 और ये 13, दोनों साइड आप कम ज़्यादा भी छोड़ सकते हो। बड़ी छोटी पॉकेट की विड्थ जितनी आप रखना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। स्वेटर बड़ा छोटा बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये स्टिचेज डिवाइड करोगे। और यहाँ पर अब हमारे पास 28 स्टिचेस हैं, और अब हमने ये रॉन्ग साइड बनानी है। रो लास्ट रो है हमारी, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पूरी उल्टे फंदों की रो बनानी है, और कैसे बनानी है ये मैं बताती हूँ। तो ये रॉन्ग साइड रो है बॉर्डर की, लास्ट पूरे उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। तो ये 13 स्टिचेस हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। पर 13 बनाने तो सारे ही हमने उल्टे हैं, पूरी रो उल्टे स्टिचेस की बनानी है। ये 13 स्टिचेस के बाद देखिए, ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 13 स्टिचेस हो गए। अब इसके बाद हमने इसको, तो हम ये उतारेंगे, एक डिफरेंट कलर का कोई भी एक थ्रेड ले लेंगे। और अब हमने जितने स्टिचेस ये पॉकेट के लिए छोड़ने हैं, उसके बीच में हम ये थ्रेड इस तरह से लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से,
अब ये स्टिच बनाएंगे, इस थ्रेड को हम इस तरह से ऊपर से ऐसे रखेंगे। अगेन इस थ्रेड को ऐसे, तो ये 28 स्टिचेस में हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। अब इस थ्रेड को हम यहाँ से खींचते जाएंगे, तो इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, ये हमारे 28 स्टिच ये थ्रेड में आ गए। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा और पुल कर लेंगे और अब देखिए ये स्टिचेस हो गए। अब हम ये रिमूव करेंगे और ये स्टिचेस हम 13 ये भी उल्टे बनाएंगे। स्टिचेस हमने सारे उल्टे ही बनाने हैं। तो ये 13 स्टिचेस भी मैंने उल्टे बना लिए। देखिए इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 13। आप दोनों साइड, एक साइड कम ज़्यादा भी थोड़े बहुत कर सकते हो। अब ये हमारी, ये इसको हम यहीं रखेंगे और ये बॉर्डर पैटर्न ये ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए ये फंदा उल्टा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, निट वन पर्ल वन। ये रॉन्ग साइड से है, निट वन पर्ल वन, ये दो फंदे रिपीट करेंगे। और देखिए 8 फंदे हमने बना लिए। ये हमारी है आई कॉर्ड, तो यहाँ पर ये स्टिचेस भी हमने उल्टे बनाने हैं, मींस 10 स्टिचेस ही हमारे उल्टे बन गए। अब ये राइट साइड से आई कॉर्ड, फर्स्ट स्टिच स्लिप, सेकंड आल्सो स्लिप। अब थ्रेड आगे लाएंगे और ये बॉर्डर पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्ल वन, नेट वन, ये दो फंदे रिपीट करेंगे, पर्ल वन, नेट वन, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो लास्ट में सेकंड लास्ट एक फंदा उल्टा और इसको हम साथ साथ स्लिप करते जाएंगे तो अच्छा लगेगा ये। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप इसको ऐसे बॉर्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इससे बना सकते हो। तो यहाँ पर हम ये, फिर ये फंदा सीधा बनेगा, तो मैं इसको राइट साइड से स्लिप करूंगी और रॉन्ग साइड से इसे उल्टा बनाएंगे। अब हम इसको इधर करेंगे, अब हमने पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए जो हम इस पे पैटर्न डाल रहे हैं उसके लिए स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 6, तो हमारे पास अब ये 54 स्टिचेज है। यहाँ से हमने 64 डाले थे 10 स्टिचेस बटन पट्टी के, और उसके बाद हमारे पास ये 54 स्टिचेज है जिसपे हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो जाएगा। और ये पैटर्न 12 रोज का पैटर्न है और बहुत इजी पैटर्न है जैसा कि आपने देख ही लिया है। और अब रो वन राइट साइड से, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, निट टू, दो फंदे सीधे, पर्ल टू, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। तो ये हमारे 6 स्टिचेस का पैटर्न है, निट टू, पर्ल टू, निट टू, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। यही हम फंदे फिर रिपीट करेंगे। तो अब फिर हम डालेंगे निट टू, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 स्टिचेस हो जाते हैं, पर्ल टू, निट टू, ये रिपीट पैटर्न ओवर हो गया। अगेन पैटर्न जब स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारा निट टू से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टिचेस हो जाते हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको ये लगेगा 4 स्टिचेस सीधे हैं, दो फंदे उल्टे हैं। तो अब निट 4 तो पर्ल 2, निट 2, देखिए निट 2, पर्ल 2, निट 2, रिपीट पैटर्न ओवर, अगेन निट 2। तो अब सभी जगह हमारे ऐसे दिखाई देंगे स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे, दे रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो के एंड में है और यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर हुआ हमारा,
और लास्ट में नीट टू पर्ल टू नीट टू, लास्ट में हमारे पास दो फंदे सीधे ही रहेंगे। देखिए दो फंदे सीधे आएंगे लास्ट में रो टू रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर जैसे स्टिचेस हमें दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, पर्ल टू, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। तो यही रिपीट पैटर्न है, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। देखिए जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। ये दो फंदे उल्टे तो यहाँ हम ये उल्टे बनाएंगे, ये दो फंदे सीधे ये सीधे बनाएंगे, ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। तो रिपीट पैटर्न ओवर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर स्टिचेस उल्टे हो जाते हैं, राइट साइड से फोर सीधे थे ये, अब यहाँ पर ये फोर उल्टे हो गए। हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ, टू फंदे हमने उल्टे बनाए पर्ल टू। अभी अगेन नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास पर्ल टू है, पर्ल टू नीट टू पर्ल टू। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बनेगा। तो ये सेकंड रो रॉन्ग साइड से मैं बना लेती हूँ, सेकंड रो के एंड में है देखिए। तो यहाँ पर लास्ट में टू स्टिचेस उल्टे आएंगे, पर्ल टू इन द लास्ट। अब हमारी बटन पट्टी, और ये हमने फर्स्ट स्टिच तो हमने उल्टा ही बनाना है क्योंकि इधर से हम स्लिप करते हैं, तो इधर से हम उल्टा बनाएंगे। अब ये वाला स्टिच जैसे हमारा बॉर्डर पैटर्न है ऐसे ये सीधा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे नेट वन। ये स्टिच उल्टा बनाएंगे, ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा पर्ल वन नेट वन। तो रॉन्ग साइड से ये स्टिचेज हमेशा ऐसे ही आएंगे। अब ऐसे लास्ट में पर्ल वन आया तो ये वाले स्टिच भी हमारे दोनों स्टिचे उल्टे बनने हैं। तो लास्ट में हमारे पास पर्ल थ्री आ गए। अब राइट साइड से रो थर्ड, तो ये स्टिचेस हमने स्लिप करने हैं, ये भी स्लिप करना है ये भी, और इसे थोड़ा टाइट रखेंगे। और ये सीधा स्टिच है इसे उल्टा बनाएंगे, पर्ल वन नीट वन, पर्ल वन नीट वन, पर्ल वन नीट वन, पर्ल वन। और अब ये हमने स्लिप करना है। अब ये वाली जो रो थर्ड राइट साइड से पैटर्न की बनेंगी, जैसे स्टिचेस हमने पहले बनाए वैसे ही बनाने, मींस रो वन की तरह ही बनाएंगे। रो वन में क्या था, निट टू पर्ल टू, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। तो ये सिक्स स्टिचेज हैं, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, निट टू पर्ल टू निट टू। अब यही रिपीट करेंगे, जब रिपीट करेंगे तो टू फंदे सीधे डालेंगे तो ये वाले हमारे सीधे होंगे। तो इस तरह से ये चार फंदे सीधे हो जाएंगे, पर्ल टू निट टू। तो यही हम रिपीट करते हुए थर्ड रो राइट साइड से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए थर्ड रो के बाद देखिए इस तरह से लुक है पैटर्न का, और लास्ट में ये टू स्टिचेस सीधे, जैसे रो वन का एंड था ऐसे ही है। अब है रो फोर्थ रॉन्ग साइड से, और ये वाला जो है इसे हम इस तरह से कर देते हैं थोड़ा। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, तो जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, मींस हमने रो टू की तरह ही बनानी है। जो फंदे उल्टे हैं उल्टे बनाएंगे, दो फंदे जो फंदे सीधे हैं सीधे बनाएंगे। तो रिपीट पैटर्न यही से स्टार्ट, टू फंदे उल्टे पर्ल टू, ये टू फंदे सीधे नेट टू, दो फंदे उल्टे पर्ल टू। देखिए ये रिपीट पैटर्न रहेगा, पर्ल टू नेट टू पर्ल टू। अब अगेन हमने पर्ल टू बनाने हैं यहाँ पर, तो चार फंदे उल्टे हो जाएंगे, रो टू की तरह ही हम ये रो बनाएंगे। तो ये दो फंदे उल्टे, रिपीट पैटर्न ओवर। देखिए इस तरह से
अब रॉन्ग साइड से चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे दिखाई देंगे आपको। अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट, तो ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, तो इसी तरह रो को कंप्लीट करेंगे। रो फोर्थ रॉन्ग साइड से हम एंड में हैं, तो देखिए दो फंदे उल्टे। अब देखिए ये हमारी इस तरह से रो बनी है। अब स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे और फ्रेंड्स ये वाला फंदा हमने फर्स्ट उल्टा बनाना है, और ये वाले फंदे जैसे हमारा बॉर्डर पैटर्न है ये सीधा दिखाई दे रहा है। पर्ल वन नेट वन, ये दो फंदे रिपीट करेंगे, पर्ल वन नेट वन, पर्ल वन नेट वन, पर्ल वन, लास्ट में पर्ल वन आया। इसके बाद ये टू स्टिचेस हैं तो पर्ल थ्री आ जाएंगे हमारे पास इस तरह से। अब हमारी रो फिफ्थ राइट साइड से ये आई कॉट और ये बॉर्डर पैटर्न, पर्ल वन नेट वन, पर्ल वन, ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, सीधा बनेंगे। पर्ल वन और ये देखिए लास्ट में उल्टा फंदा, और ये वाला स्टिच इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से चेन बननी स्टार्ट होगी जो बहुत ही सुंदर लगती है फ्रेंड्स। और अब हम इसे शिफ्ट करेंगे और ये फंदे अगेन हम रो वन और थर्ड की तरह ही बनानी है, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनानी है। तो रिपीट पैटर्न स्टार्ट, नेट टू पर्ल टू नेट टू, यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, नेट टू पर्ल टू नेट टू, अब फिर नेट टू, ये चार फंदे सीधे हो गए, पर्ल टू नेट टू। तो ऐसे ही रो ये रिपीट करनी है, रो वन एंड थ्री की तरह। तो रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रो फिफ्थ मैंने कंप्लीट कर ली, रो फिफ्थ के बाद इस तरह से बना हमारा, लास्ट में टू स्टिचेस सीधे आए हैं। और फ्रेंड्स अब है रो सिक्स रॉन्ग साइड से, ये रो भी हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमने टू और फोर रो बनाई है, मींस जैसे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। तो रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल टू, देखिए दो फंदे उल्टे, ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, देखिए ये रिपीट रहेगा, पर्ल टू नेट टू पर्ल टू। अब फिर रिपीट करेंगे पैटर्न, पर्ल टू दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ये सिक्स स्टिचेज हमने रिपीट करते जाने हैं। देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो ये रो मैं बना लेती हूँ फ्रेंड, देखिए ये सिक्स्थ रो मैंने कंप्लीट कर ली, लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस उल्टे आए और इस तरह से बनी है। और फ्रेंड्स अब हमने ये वाले स्टिचेस बटन पट्टी के जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लेने हैं। और ये मैं इस साइड से और राइट साइड से बटन पट्टी बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब सेवन्थ रो राइट साइड से फ्रेंड, देखिए ये मैंने बटन पट्टी के स्टिचेज बना लिए। अब ये वाला हमारा इस तरह से पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं, सेवन्थ रो राइट साइड निट ऑल, सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, ये देखिए ये सेवन्थ रो मैंने कंप्लीट कर ली और पूरे फंदे जो हैं सीधे बनाए हैं। और अब रो एट्थ रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल, ये रो सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली, सारे स्टिचे उल्टे बनाए और बटन पट्टी के स्टिचे बना लिए। अब है नाइन्थ रो राइट साइड से, तो यहाँ पर भी मैंने बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए हुए हैं। और अब हमने ये पैटर्न चेंज करना है, तो देखिए रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है, निट वन पर्ल फोर, वन टू थ्री फोर निट वन, ये रिपीट पैटर्न रहेगा, निट वन पर्ल फोर निट वन। देखिए ये वाले जो दो फंदे ये वाले उल्टे थे, ये चार फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, एक फंदा इधर से मिलाएंगे, एक फंदा इधर से, ये वाले चार फंदे, ये टू फंदे के ऊपर चार फंदे उल्टे हो जाएंगे। जो चार फंदे सीधे थे
एक फंदा इधर उल्टा बन जाएगा, एक इधर, और बीच वाले टू फंदे ये सीधे बनेंगे। तो रिपीट पैटर्न हमारा ये रहेगा, निट वन पर्ल फोर, निट वन, अगेन निट वन पर्ल फोर, वन टू थ्री फोर। आप देखिए ये फोर उल्टे बनाए, एक फंदा ये सीधा इधर आ गया, एक फंदा ये सीधे वाला इधर आ गया, टू फंदे ये उल्टे जो चल रहे थे। अब ये वाले दो सीधे बनाएंगे, चार फंदों के बीच वाले टू फंदे सीधे हो जाएंगे और ये वाला फंदा उल्टा हो जाएगा। तो ये इसी तरह हम ये रिपीट करेंगे, ये इस तरह से बनेगा, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से चार फंदों के जो सीधे बीच वाले टू फंदे सीधे रह जाएंगे और ये चार फंदे उल्टे हो जाएंगे, जो दो फंदे उल्टे थे एक इधर से ये चार फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नाइन्थ रो के एंड में है, तो एक फंदा सीधा बनाया, चार फंदे उल्टे, लास्ट में एक फंदा सीधा आएगा। रिपीट पैटर्न ये रहेगा, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तो हमारे पास अब एक फंदा सीधा रहेगा। और अब हमारी है टेंथ रो रॉन्ग साइड से, तो जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। फर्स्ट स्टिच उल्टा दिखाई दे रहा, उल्टा बनाएंगे, ये चार फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इधर से हमने उल्टे डाले हैं। निट वन, सॉरी पर्ल वन, निट फोर, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो ये रिपीट पैटर्न रहेगा, पर्ल वन, निट फोर, पर्ल वन, अगेन पर्ल वन, निट फोर, थ्री फोर, पर्ल वन। तो अब आपको दिखाई कैसे देंगे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे। अब एक फंदा उल्टा बनाया, अगेन पैटर्न स्टार्ट, तो दो एक फंदा उल्टा, तो यहाँ पर दो फंदे उल्टे हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही रो बनानी है। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से बनता जाएगा। फ्रेंड टेंथ रो के हम एंड में हैं, तो ये चार फंदे मैंने सीधे बनाए और लास्ट में नेट वन पीट पैटर्न ओवर, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो ये लास्ट में पर्ल वन आएगा और अब बटन पट्टी के स्टिचेस और राइट साइड से मैं ये स्टिचेस बटन पट्टी के बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। इलेवंथ रो राइट साइड से, फ्रेंड ये जैसे हमने नाइन्थ रो बनाई है वैसे ही बनाएंगे, मीन जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं देखिए वैसे ही बनाने हैं। सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे। रिपीट पैटर्न सेम रहेगा, नाइन्थ रो वाला निट वन पर्ल फोर, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, देखिए इस तरह से जैसे दिखाई। अब अगेन रिपीट पैटर्न स्टार्ट, निट वन, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, पर्ल वन, पर्ल फोर, सॉरी निट वन पर्ल फोर निट वन। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। तो इसी तरह हम जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, नाइन रो की तरह इलेवंथ रो बनाएंगे। तो ये रो बना करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये इलेवंथ रो मैंने कंप्लीट कर ली और लास्ट में हमारे पास वन स्टिच सीधा आया है। अब ट्वेल्थ एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, तो देखिए फर्स्ट स्टिच उल्टा बनाएंगे और ये ट्वेल्थ रो टेंथ रो की तरह ही बनेंगी, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, ये चार फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे, नेट फोर, और ये फंदा उल्टा। तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, पर्ल वन, निट फोर, पर्ल वन, और इसी तरह हम ये रिपीट करते जाएंगे। जैसे जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे, अगेन पर्ल वन, निट फोर, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, रिपीट पैटर्न ओवर। तो इसी तरह हम बनाते हुए ये रो बना लेंगे। ये ट्वेल्थ रो के एंड में है, तो हमारे पास एक स्टिच उल्टा आया।
अब हम ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम ये बटन पट्टी के स्टिचेस बनाएंगे और ये हमारा पैटर्न देखिए इस तरह से बन रहा है। ये 12 रोज़ कंप्लीट होगी। अब हमने 1 to 12 रोज़ ही रिपीट करते जाना है और जितना हमने पॉकेट बनानी है डीप उतना हमने बनाना है, मीन्स 4 इंचेस के आसपास में बनाऊंगी। अगर आप बड़ी छोटी पॉकेट बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बना लें। तो ये 4 इंचेस बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड ये थ्रेड, ये जो थ्रेड है ये ऐसे ही अभी हमने रहने देना। ये हमने थ्रेड इस तरह इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये स्टिच पिक करने हैं पॉकेट बनाने के लिए बैक साइड से। तो यहाँ पर थ्रेड डाला होगा तो ये स्टिचे पिक करने इजी हो जाते हैं। वैसे तो हम ये वाले स्टिच वैसे भी पिक कर सकते हैं लेकिन थ्रेड से काम जो है इजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, इसलिए मैंने ये थ्रेड डाल दिया। तो चलिए अब मैं ये 4 इंचेस बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इतना बना लिया, अब मैं दिखाती हूँ मैंने कितना बनाया। और फ्रेंड्स ये देखिए ये 4.5 इंचेस है यहाँ तक। और अब मैंने ये मार्कर लगाए हैं, मार्कर सेम ही लगाए हैं जैसे हमने यहाँ पर लगाए थे। ये बटन पट्टी के स्टिचेस पर तो हमारा लगा ही हुआ है। ये 13 हमने 28 स्टिचेस की पॉकेट बनानी है। और यहाँ पर अब हम पॉकेट का बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पर हमने बनाना है बटन होल। एक बटन होल, फर्स्ट बटन होल मैंने इतना छोड़ करके यहाँ पर बनाया। अब बटन होल बनाएंगे। बटन होल के लिए देखिए ये वाले स्टिचे 5 बन गए हमारे, 2 एज स्टिचेस और 3 और बनाए। अब हमने ये सीधा बनाना है, ये उल्टा स्टिच बनाना है। यहाँ पर 2 का 1 करना है। जो स्टिच हमने यहाँ पर बनाना है वही स्टिच हम अब बनाएंगे। तो ये हमने उल्टा बनाना है तो थ्रेड को इस तरह से पीछे छोड़ेंगे और इसको हम उल्टा बनाएंगे। इसको इस तरह से लेंगे यार्न ओवर और ये स्टिच हम उल्टा बना देंगे। अब नेक्स्ट टाइम हमारा ये सीधा बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा और ये वाला सीधा और ये उल्टा और इसे हमने स्लिप करना है। और फ्रेंड ये जब हम पॉकेट बना रहे हैं तो ये हमारी 10th रो पैटर्न की कंप्लीट हुई है। अब हमने 11th रो बनाना है। तो 11th रो में क्या है, निट 1 पर्ल 4। फ्रेंड सॉरी 10th नहीं, ये 2nd रो कंप्लीट की है, ये पैटर्न की 3rd रो है। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ये वाला रो है हमारी। निट 2 पर्ल 2 निट 2, ये 3rd रो राइट साइड से है पैटर्न की। तो पैटर्न तो हमारा साइड से एज इट इज चलते जाना है। तो अब फिर निट 2 पर्ल 2 मार्कर तक हमने ये बनाने हैं और ये हमारे निट 1। तो अब लास्ट में यहाँ पर हमारे पास ये रिपीट पैटर्न ओवर होता है तो निट 1 आएगा, मीन्स हमारे यहाँ पर 4 स्टिचेस सीधे हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 होंगे। अब इसके बाद हमने पॉकेट का बॉर्डर स्टार्ट करना है। तो इस फंदे को हमने स्लिप करना है और उसके बाद हमने रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है बॉर्डर वाला, पर्ल 1 निट 1। तो ये फंदे हम यहाँ तक बनाएंगे, एक रहने तक, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो ये मैं मार्कर तक बना लेती हूँ। अब देखिए मार्कर पर आगे हम और एक स्टिच रह गया यहाँ पर। अब हमारा एक स्टिच लास्ट में सीधा आया है और इसको हमने स्लिप करना है। ये चेन हमने ऐसे ही बनानी है जैसे हमने ये बटन पट्टी के साथ बना रहे हैं, दोनों तरफ ऐसे ही बनाएंगे। और अब हमारा ये पैटर्न जैसे है वैसे ही बनाना है। अब ये 3 स्टिचेस सीधे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक स्टिच हम बनाएंगे और ये हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा। जैसे हमारा ये चल रहा है रो 3rd है तो ये हम वैसे ही बनाएंगे। आप जिस रो पे भी आप पॉकेट का कंप्लीट कर रहे हो ये पैटर्न आप एज इट इज ही चलाते जाओगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे आ गए। अब हमारी यहाँ पर रो 2 रहेगी
पैटर्न की रो 4 है तो हम रो 4 ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर उधर से बनाना है तो बॉर्डर की हमारी रो जो है वो सेकंड होगी। अब ये पैटर्न की 4th रो है तो जैसे दिखाई दे रही है हमने वैसे ही स्टिचेस बनाने हैं। अब ये स्टिचेस मैंने बना लिए और अब हमारे बॉर्डर पैटर्न है तो ये वाला स्लिप किया था, इसे तो हमने उल्टा ही बनाना है, और ये वाला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है इसे सीधा बनाना है। तो ये पैटर्न रहेगा पर्ल 1 नीट 1 पर्ल 1 नीट 1। तो ये यहाँ तक मैं स्टिचेस बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये रो सेकंड बॉर्डर की हम बना रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए उल्टा स्टिच बनाना है, और ये जो स्लिप किया था इसे भी हमने उल्टा ही बनाना है, और अब ये वाले फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे बनाने हैं। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड देखिए इसी तरह हमने ये रोज़ रिपीट करनी है। यहाँ हम पैटर्न बनाते जाएंगे 13 स्टिचेस पे, ये 10 स्टिचेस की बटन पट्टी, और ये 28 स्टिचेस पे हमने बॉर्डर पैटर्न बनाते हुए ये हमने 2 रोज़ और बना ली, और 2 रोज़ बनाई है और 4 रोज़ और बनाएंगे, मीन्स हम इसे 6 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। देखिए ये बॉर्डर की मैंने 6 रोज़ बना ली। जब बॉर्डर स्टार्ट किया था तो हमारे पैटर्न की रो 3rd थी, तो अब 6 रोज़ के बाद हमारी ये 8 रोज़ जो रिपीट होगी पैटर्न की, और 8th रो क्या थी हमारी उल्टी साइड से पूरे फंदे उल्टे, 7th रो में सारी सीधी सिलाई और 8th रो में पूरी उल्टी रो। तो इस तरह से हमारी पैटर्न की 8th रो कंप्लीट होगी। अब हमने ऊपर जब भी स्टार्ट करेंगे तो 9th रो पैटर्न की बनाएंगे। और फ्रेंड्स अब इसको हम यहीं छोड़ेंगे, अब हम पॉकेट बनाएंगे, और ये पॉकेट के लिए हमने स्टिचेस छोड़े हुए हैं यहाँ पर, ये 28 स्टिचेस हैं, और यहाँ से अब हम पिक करना स्टार्ट करेंगे स्टिचेस को, और यहाँ पर हम एक थ्रेड और लगाएंगे, उस थ्रेड को यहीं रहने देंगे, एक थ्रेड और अटैच करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने स्टिचेस उठाने हैं ये 28 है, और 2 स्टिचेस हम इधर से एक्स्ट्रा उठाएंगे, 2 स्टिचेस दूसरी साइड से एक्स्ट्रा उठाएंगे। तो देखिए ये स्टिचेस हमारा है, यहाँ से हमारे स्टिचेस स्टार्ट होते हैं, तो हमने इसी रो में 2 स्टिचेस और उठाने हैं, ये उठाएंगे, ये वाला स्टिच उठाएंगे। उसके बाद वैसे आप स्टार्टिंग में ही थ्रेड इन स्टिचेस पे भी लगा सकते हो, ये वाले स्टिचे देखिए यहाँ पर ये थ्रेड डाला है, इस तरह से उठाते जाएंगे, देखिए कितने इजी हो जाएंगे ये इस तरह से। बस थ्रेड पूरा उठाया जाए हमारा, देखिए इस तरह से ये हम 28, ये 2 पहले उठाए हमने 30 हो गए, 2 हम लास्ट में भी उठाएंगे तो ये हमारे 32 हो जाएंगे। अब ये मैंने सारे स्टिचे थ्रेड तक उठा लिए, अब इसके बाद हमने 2 स्टिचेस और उठाने हैं और ये उठा लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32 स्टिचेस हो गए। अब हम इस थ्रेड को इस तरह से पुल कर देंगे, और अब फ्रेंड्स हमने इसे निट करना है। अब हमारी रो का एंड, जो नीडल का एंड इस साइड है, इस साइड से हमने जो रो बनानी है वो सीधे स्टिचेस की, हमने इसे
उल्टी सीधी सिलाई का बनाना स्टॉकी नट स्टिच का। इधर से हम पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे। जब हम इस साइड आएंगे तो इधर से जब रो बनाएंगे तो पूरे उल्टे फंदों की बनाएंगे, ये हमने ध्यान रखना है। और अब हम ये थ्रेड अटैच करेंगे, सेकंड जो थ्रेड और अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सीधे स्टिच बनाने हैं। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बना करके ये रो वन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट की है, ये सारे फंदे सीधे बना करके। अब हम इसे टर्न करेंगे, देखिए तो अब हमने रो इस तरह से बनानी है और ये उल्टे फंदे बनाएंगे। पर ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और ये हमारी रो टू है रॉन्ग साइड से। और फ्रेंड्स यही वन टू रो रिपीट करनी है हमने। इस साइड से जब इस साइड से रो बनाएंगे ऐसे तो सीधे फंदे, इस तरह से बनाएंगे तो उल्टे फंदे। ये हमने बनाते जाना है और इसके इक्वल यहाँ तक ये हमारा बन जाना चाहिए। ये 32 स्टिचेस का जो हमने बना रहे हैं, तो ये यहाँ तक हमने इक्वल लेंथ कंप्लीट करके हमने छोड़ना है इसे। तो ये मैं इतना बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब हमने ये बनाना है इसके इक्वल, इस तरह से इसके इक्वल हम बनाएंगे देखिए। और अब हम आगे बनाते हैं। अब हम पहले इस साइड को लेंगे और ये मैं पहले बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेती हूँ। और ये मैंने बटन पट्टी स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पर हमने ये 13 स्टिचेस पर पैटर्न बनाना है। और पैटर्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टे फंदों की बनाई है, मीन्स ये हमारी पैटर्न की 8th रो थी। अब हमने पैटर्न की 9th रो बनानी है, जिसमें हमने ये स्टिच सीधा डालना है, नेट 1 पर्ल 4, 1 2 3 4 नेट 1, ये रिपीट पैटर्न है हमारा। नेट 1 पर्ल 4 नेट 1 अगेन नेट 1 पर्ल 4। और नेट 1, तो देखिए ये इस तरह से हो गया। और लास्ट में ये फिर हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट, नेट 1। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दो फंदे सीधे आ रहे हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये थ्रेड आगे लाएंगे। और अब हमने ये 28 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। तो बाइंड ऑफ आप किसी भी तरह से करिए, सीधे के साथ करिए, मैं उल्टे के साथ कर रही हूँ। तो इस तरह दो का एक करेंगे इस तरह से, तो ये चेन हमारी इस तरह से आएगी बैक साइड और आगे से ऐसे बनेगा। अगर ये चेन आगे लाना चाहते हो तो आप सीधे स्टिचेस से बाइंड ऑफ कर लीजिए और मैं ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए ये 28 स्टिचेस मैंने बाइंड ऑफ कर दिए। अब इसको भी हमने करना है, तो अब इसको हम इसके साथ करेंगे, ये बाइंड ऑफ होगी। अब ये 13 स्टिचेस हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाने हैं, तो ये फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे, नेट 1 पर्ल 4 नेट 1। तो ये रिपीट करेंगे ये पैटर्न हम, और ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 10th रो रॉन्ग साइड से, पर्ल 1 एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 4 फंदे सीधे, पर्ल 1 नेट 4 पर्ल 1, ये हमारा रिपीट पैटर्न है। उसके बाद अगेन पर्ल 1 नेट 4, 4 फंदे सीधे। और अब ये 2 स्टिचेस रह गए। यहाँ पर हमारे पास 28 थे, तो यहाँ पर हमने 32 स्टिचेस लिए हैं। यहाँ पर
टू इधर से एक्स्ट्रा, दोनों साइड से टू टू हमने स्टिचेज एक्स्ट्रा लिए हैं, इधर से भी टू, इधर से भी टू, बीच में हमारे पास 28 है। तो ये 28 तो ये वाले टू स्टिच हम इधर रखेंगे, टू इधर। तो यहाँ पर हम इस तरह से कि अब हमने क्या करना है, ये टू स्टिच इन टू स्टिचेस के साथ अटैच कर देंगे, मींस दो का एक करेंगे। और ये स्टिचेस हमें दोनों इधर से सीधे बनाने हैं, तो इस तरह से अटैच करेंगे कि हम ये वाले दो स्टिच इधर से सीधे हों। तो यहाँ पर ये थ्रेड आगे लाएंगे, इधर से हम इनको उल्टा बनाएंगे, दो का एक करेंगे, एक स्टिच उधर से लेंगे, एक उधर से लेंगे, जैसे हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं। और इसको भी इस तरह से, अगर हमने उधर उल्टे बनाने होते तो इधर हमने सीधे स्टिच बनाने थे, तो अब हमने राइट साइड से ये स्टिच सीधे बनाने हैं। तो ये हमारे दोनों स्टिच सीधे आ गए। अब हमने पैटर्न को ही कंटिन्यू करना है इस रो में। और ये हमारा पैटर्न चल रहा है पर्ल वन नेट फोर पर्ल वन, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ पर है नेट फोर पर्ल वन बीट पैटर्न ओवर, और नेट वन पर्ल वन हमने बना लिया। अब हमने ये फोर स्टिचेस सीधे बनाने हैं, नेट फोर, वन टू थ्री फोर पर्ल वन रिपीट पैटर्न ओवर, अगेन पर्ल वन नेट फोर। तो ये फंदे यहाँ तक टू स्टिचेज आने तक मैं बना लेती हूँ। अब फ्रेंड देखिए ये स्टिचेज हमने इसी तरह जो भी आप पैटर्न डाल लियो उसके अकॉर्डिंग ही आपने पैटर्न इसके इक्वल हमने स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर मैंने ये फोर स्टिचेज सीधे बनाए हैं, उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा डालना है, फिर बीट पैटर्न स्टार्ट होगा, फिर एक फंदा उल्टा, मीन्स हमने दोनों स्टिच उल्टे डालने इधर से, और इधर से हमारे सीधे आने चाहिए। तो इनको भी हम जैसे पहले अटैच किए हैं वैसे ही दोनों स्टिचेस को बनाएंगे। एक स्टिच इधर से लेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे, और इसी तरह ये स्टिच लेंगे और ये स्टिच लेंगे। अब ये अटैच हो गए हमारे। अब हमारा पैटर्न आगे जैसे है, ये फोर फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे, निट फोर पर्ल टू, और इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेंगे। बटन पट्टी के भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँ। फ्रेंड देखिए ये रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली, और अब हमारा ये पैटर्न देखिए अब इस रो पे इस नीडल पे चल पड़ेगा। ये बैक साइड से ये फंदे हमने इसलिए इधर सीधे बनाए थे ताकि हमारी पॉकेट्स में ये स्टिचेज दिखाई देते हैं, तो ये सीधे दिखाई दे इस तरह से, और ये पॉकेट हमारी इस तरह से बन करके रेडी हो गई है। फ्रेंड देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली, और अब इसी तरह हम पैटर्न को बनाते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, और आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलूंगी पार्ट टू वीडियो में, पार्ट वन वीडियो में। इतना ही, तब तक आप इतना बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय।